खेतीगढ़ी थाना क्षेत्र के देवली इलाके में बृहस्पतिवार दोपहर में ज्वेलरी की दुकान से गहने लूटने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोच लिया है। आरोपितों ने दुकान मालिक को गन प्वाइंट पर लेकर वारदात की थी। गिरफ्तार आरोपित की पहचान तिगड़ी के जेजे कैंप निवासी सुनील उर्फ गंजा के रूप में हुई है। वहीं पकड़े गए तीन अन्य आरोपित नाबालिग हैं। पुलिस ने लूट का पूरा सामान 440 ग्राम चांदी के गहने व 3000 रुपए के साथ आरोपितों से पिस्तौल हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। लूट की पूरी वारदात दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। उसी के सहारे पुलिस आरोपितों तक पहुंच गई। दक्षिणी दिल्ली जिले के पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि कृष्णा पार्क स्थित दुकान के मालिक कैलाश चंद सिंघल की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर लिया था। एसएचओ इंस्पेक्टर रामफूल मीना के नेतृत्व में एसआई राकेश, एसआई रामकिशन, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र, तुलसी राम, यशवीर, संदीप, कांस्टेबल राजपाल, राजेंद्र, कैलाश, कृष्ण, निरंजन व सीताराम की टीम ने पूरे इलाके के 120 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस टीम को पता चला कि वारदात के बाद आरोपित एक चप्पल की दुकान पर गए थे। वहां चप्पल खरीदते समय एक आरोपित ने मास्क उतारा। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे से उसकी पहचान सुनील उर्फ गंजा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर तीन नाबालिगों को भी दबोच लिया गया। सुनील ने बताया कि उसने दो नाबालिगों के साथ दुकान में लूट की थी। वहीं चौथा साथी दुकान से 100 मीटर दूर बाइक लेकर खड़ा था। सुनील पर हत्या व लूट समेत 11 मामले दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया टीम। क्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।